हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइस, ये है आपका सेशन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी जो है वो आज से स्टार्ट करने वाले हैं, सो वी आर रेडी नाउ एंड हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को। लास्ट वन ईयर का जो करंट अफेयर है हम वो लोग कर वो सब यहाँ पर जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। सो अब की बार प्रिलिम्स बार ये अपना एक थीम जो है वो रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो 2019 और 20 के मुकाबले जो चीज़ हमने देखी, जीएस के 3 के क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा है। हाय फ्यूचर, गुड मॉर्निंग अरी। हाय एसके, पवन गुड मॉर्निंग, खुशी गुड मॉर्निंग, नैन्सी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडिबल विजिबल सब ओके हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कन्फर्म कीजिए। ऑडिबल एंड विजिबल ऑल इज फाइन। सो गाइज, जीएस के 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो 2020 और 2019 के अंदर काफ़ी देखने को मिले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लास्ट वन ईयर के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के जो करंट अफेयर रह चुका है उसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो आज आपका लेक्चर वन रहेगा, लाइव क्लास रहेगी एवरी डे 9 AM, सुबह 9 बजे हम लोग इसको करेंगे। गाइज, आप लोग हमें स्टडी आईएएस को ज्वाइन भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। जितने भी पीडीएफ एंड नोट्स आपको जो भी चाहिए वो सब आपको स्टडी आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ऑडिबल एंड विजिबल इज परफेक्ट, बताओ ज़रा। सो स्टडी आईएएस को सर्च करो टेलीग्राम पे, यू गॉट देयर। गाइज, एक इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, आज होगा ये 11 AM, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है गाइज यहाँ पे 1 साल के लिए। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। 3500 MCQ का बैच चल रहा है, 2 ईयर बैच कोर्स चल रहा है, UPSC प्रीलिम्स के लिए, NCERT के बैच चल रहे हैं। इन सब के लिए यू कैन टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन, जो भी आपको सही लगता है वो आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हो। एंड लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, फर्दर डिस्काउंट के लिए यू हैव टू यूज़ अ स्टडी IAS का रेफरल कोड। स्टडी IAS का कोड आपको यूज़ करना है सो दैट यू कैन गेट अ 10% ऑफ, क्लियर। चलो करें सेशन की शुरुआत। आर यू गाइस रेडी? बताओ एक बार, आर यू रेडी? ओके डन। चलो एनवायरनमेंट का करंट अफेयर, UPSC, CAC, PCS 21, ये सब आपके लिए ज़रूरी रहेगा। तो आज का पहला एक न्यूज़ है वो है नेट ज़ीरो बाय 2060 या बाय 2050, ठीक है। नेट ज़ीरो क्या मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। हाय अंकित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नेट ज़ीरो क्या चीज़ क्या है। सो गाइस, नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि जो कार्बन के एमिशंस हैं जिसकी वजह से आपकी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ये सब का रीज़न एक है वो है कार्बन, ठीक है। CO2 का जो कार्बन होता है ना, वो वाला कार्बन। तो हमने गोल सेट करा है कि हम नेट ज़ीरो को लेकर आएंगे, यानी कि कार्बन को कम करेंगे। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ज़ीरो है ना, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कार्बन को ज़ीरो लेकर आना है। इसका जस्ट इतना मतलब है कि आपको जो कार्बन की मात्रा है अपने एटमॉस्फेयर में से उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। एलिमिनेट करने का टारगेट अभी हमने सेट नहीं किया है। नहीं अंकित, आज से हम एनवायरनमेंट की जो चीज़ें हैं, जो न्यूज़ है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके वन ईयर के आ चुके हैं, तो ये आपके लिए यहाँ से कवर हो जाएंगे। फाइन, नेट ज़ीरो बाय 2060। नॉर्मली हमारा टारगेट है 2050 तक, लेकिन चाइना ने अपने अलग से गोल रखा है नए कार्बन एमिशन का, वो 2060 उनका रहेगा, ठीक है। चाइना ये कह रहा है कि वो बूस्ट करेगा अपनी कंट्री के पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को, ताकि वो इस टारगेट को अचीव कर सके। नेट ज़ीरो का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कि वो आइडिया जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम नॉर्मल रख सके अपने एटमोसफियर में, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना हम एटलीस्ट रिमूव कर दें, ठीक है। नेट ज़ीरो का मतलब समझ में आया? गुड मॉर्निंग अभिमन्यु, गुड मॉर्निंग। चलो गाइस, विदाउट एनी डिले आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने चैनल स्टडी IAS को, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर है। गुड मॉर्निंग। कार्बन न्यूट्रैलिटी,
ये क्या है? अब कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? कि कोई भी एडिशनल CO2 आपके एटमॉस्फेयर में ऐड ना हो। अभिमन्यु, ये क्लास चल रहा है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लास्ट करंट अफेयर, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर चल रहा है और आज ही पहली क्लास है और अभी हमने क्लास को स्टार्ट किया है, ठीक है? चलो, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि आप न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जीरो, यानी कि वहां तक अपने एमिशन को पहुंचा दो। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में ये वर्ड दिया जाए कि भाई इस नेट जीरो का उद्देश्य है कि एलिमिनेट करना कार्बन को एटमॉस्फेयर में से, तो इस वर्ड को थोड़ा गलत कर देना, क्योंकि एलिमिनेट करना उद्देश्य नहीं है हमारा, बल्कि हमारा उद्देश्य है रिड्यूस करना, ठीक है? हाय राहुल, गुड मॉर्निंग। हाय चेताली, गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा देर की नहीं है और आपको चीज़ें समझ आएंगी, अच्छी लगेंगी। क्लियर है जी? नेट जीरो को आप कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोल सकते हो, लेकिन वही बात है जो मैं आपको कह रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एमिशंस को जीरो लेकर आओगे। इसके लिए ना एक सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल है, वो है भूटान का। भूटान ने क्या किया, जितना वो एमिट कर रहा है उससे भी ज्यादा उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो नेगेटिव में चला गया। ये तो हो गई कि जितना आप एमिट कर रहे हो, आपने 10% एमिट किया लेकिन आपने 15% जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर में से, तो उसके चलते यू वुड गो टू द नेगेटिव, आप नेगेटिव में चले गए। हमने क्या करना है कि 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस अपने टेम्परेचर को लेकर आना है, ताकि हम इस जो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकें, ठीक है? गुड मॉर्निंग मीना, गुड मॉर्निंग राठौर, गुड मॉर्निंग रीता। सभी को ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली हो रहे हैं ना गाइस? बताओ एक बार, ऑडिबल विजिबल हो रहे हैं ना जी? इसी के चलते US ने और चाइना ने इस साल बहुत बड़े लेवल से वो हिट हुए, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वहाँ पे देखने लगी। चाइना के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में रेन हुई जो कि पिछली 30 सालों में कभी नहीं हुई थी। यूरोपियन ने बोला कि चाइना मुश्किल है, मुश्किल ही अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव कर पाएगा। EU वॉन्टेड चाइनीज एमिशन टू पीक बाई 2025 इंस्टेड ऑफ द गारंटी टारगेट डेट ऑफ 2030, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थोड़ा एक दो कंट्री के बीच में रही कि वो आपस में एक दूसरे को बातें कह रहे थे। हम क्या करना है, इंडिया को क्या करना है? नहीं रीता, आज क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, डू नॉट वरी, क्वेश्चंस की भी क्लास हो जाएगी। एक बार हम एनवायरमेंट को भी तो कर लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। एक दो दिन रुको एंड अगर आप डिमांड करेंगे स्टे स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आपको एन अकेडमी पे आप जो है क्वेश्चन की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? एन अकेडमी पर वो क्वेश्चंस होंगे राइट लाइव एट 1 PM, तो आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अंकिता जिंदल सर्च करोगे आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। चलो, हमारा कितना उद्देश्य है, 1.5 डिग्री सेल्सियस को अचीव करना। नॉर्मली 2 डिग्री सेल्सियस से लेके हमने 1.5 तक लेके आना है, भाई इस इतना टेम्परेचर एटलीस्ट अपने अर्थ का हो। चाइना अपने कार्बन एमिशन को 2030 से पहले ही कर लेगी और हमारा भी टारगेट है कि हम इतने ही राउंड तक कर लें। ये शेताली, सबकी PDF आपको स्टडी आइस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो मैंने लिंक आपको अपने चैनल में भेज दिया है, वहां से जाओ और ज्वाइन कर लो, ठीक है? चलिए करें आगे। आप कोई ये सॉल्यूशन बताएगा कि हम कार्बन को बोल तो रहे हैं लेकिन हम उसे एब्जॉर्ब करेंगे कैसे? हाउ विल वी एब्जॉर्ब द कार्बन? यूजिंग फॉरेस्ट, अगर हम अफॉरेस्टेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो कार्बन को एमिट करें, वो मतलब एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो एक्सहेल करते हैं और जो ट्रीज हैं वो इनहेल करते हैं CO2 को, राइट? जिसके चलते क्या होगा कि जो प्लांट्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो ओशियन होते हैं ओशियन भी आपके कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? जो सोयल होती है सोयल के अंदर भी आपके कार्बन के जो एमिशंस होते हैं जो कि बहुत सी चीज़ों से निकलते हैं, तो वहाँ पर भी कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल में भी। तो आपके लिए एक स्टेटमेंट तैयार हो सकती है कि कार्बन को एब्जॉर्ब फॉरेस्ट के द्वारा, ओशियंस के द्वारा, सॉइल के द्वारा, लैंड के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा हो सकता है, और भी बहुत तरीके हैं जिनको हम कर सकते हैं।
यस, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई कि कैसे कैसे हम कार्बन को जो है वो एब्जॉर्ब करने वाले हैं, क्या क्या हमारे तरीके जो है वो इस सब के लिए रहेंगे। ठीक है, चलो। एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिशन कैन बी इंक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक सच एज फॉरेस्ट। हाँ, हम बहुत सारी गैसेस को भी रिमूव कर सकते हैं, कोई ऐसे तरीके हम लेकर आए जिससे हम गैस को रिमूव कर दें एटमोसफियर में से। फाइन, इट इज पॉसिबल फॉर ए कंट्री टू हैव नेगेटिव एमिशन इफ अब्जॉर्प्शन रिमूवल द एक्चुअल एमिशन। कार्बन वाली चीज कवर हो गई सबकी? अरे डोंट वरी रीता, अन अकेडमी पर आपको मिल रहा है, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, नॉट टू वरी। जी हाँ, तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन नेट जीरो और किस किस कंट्री ने अडॉप्ट करा है, हमारा कौन सा क्लाइमेट गोल है, SDG का भी टारगेट है, वो जरूरी हो जाता है। अगली न्यूज आती है आपके सामने, पीलीभीत टाइगर रिजर्व गेट्स ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है आपका यूपी के अंदर, यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में। तो इस टाइगर रिजर्व को, टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने का अवार्ड मिला था, टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने का अवार्ड मिला था। अब वो अवार्ड क्या है और कैसे क्या सब हुआ था, पूरी न्यूज़ क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व हैज बैग द इंटरनेशनल अवार्ड जिसको हमने TX2 के नाम से जाना था, ताकि पिछले 4 सालों के अंदर इस रिजर्व के अंदर टाइगर की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो दुगनी हो गई थी। कितनी से ज़्यादा? हैज गॉन अप 65 हो गई है, 25 करीबन थी पिछले 4 सालों के में, 25 थी, अभी 65 हो गई है। ठीक है, पीलीभीत। अब आपके लिए इस तरीके की न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको करना है कि भाई पीलीभीत कहाँ है इन मैप में भी। ठीक है, यूपी में कुछ और टाइगर रिजर्व है क्या, इस रिजर्व से कोई और रिवर जा रही है क्या। तीसरी चीज, ये अवार्ड क्या है, किसके द्वारा ये दिया गया है, कौन है वो जिसने इसको अवार्ड दिया है। क्लियर हुई ये बातें? जी, सो पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी के अंदर है, जो तेराई आर्क लैंडस्केप जो है उस एरिया के अंदर आता है। तेराई लैंडस्केप क्या है कि जहाँ पे नई सोयल आपको मिलते हैं, वो गंगा रिवर सिस्टम है। आप ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, जहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम का एक नई जन्म होता है, मतलब नई आपको भूमि मिलती है, नई सॉयल मिलती है, वो वाला रीजन। ठीक है, इंडिया और नेपाल बॉर्डर के फूट हिल्स में मिलते हैं, नियर टू द शिवालिक। और टोटल टाइगर रिजर्व 51 है, उसमें से एक है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहाँ पे आपको शारदा सागर डैम भी मिलेगा, जिसकी जो लंबाई होगी वो 22 किलोमीटर जो है वो रहने वाली है। ठीक है, दुधवा और जिम कॉर्बेट, ये तो आपके उसमें आ गए ना, तो जिम कॉर्बेट यहाँ थोड़ी है, दैट इज इन, हाँ ऊपर की तरफ है, दुधवा है आपके, दुधवा टाइगर रिजर्व है यूपी के अंदर। ठीक है, शारदा, चूका और माला और खन्नौट, ये सारी रिवर्स जो है वो आपको यूपी के अंदर मिल जाएंगी। अब देखो मैप में, मैप इज इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, यहाँ पे है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व नियर टू द जहानाबाद एंड वो सब। ऊपर से ये उत्तराखंड से बाउंड्री लगा रहा है, इधर से नेपाल से, इधर से शाहजहानपुर से, और इधर बरेली से बाउंड्री इसकी लग रही है पीलीभीत। ठीक है, सो गाइस, एंड ऑफ द सेशन में कल से, नॉट फ्रॉम टू, आज से, कल से आपके इनमें से क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, चलो। ये जो अवार्ड है वो 2010 में बना था, जो कि 13 टाइगर रेंज कंट्री को कवर करता है। वो कंट्री है ये सारी, बट लेकिन नाम याद करने की जरूरत आपको नहीं है। PTR जो है वो पहला एक टाइगर रिजर्व है अपने इंडिया के अंदर, जिसने पहली बार ये अवार्ड जो है वो रिसीव किया है, और अवार्ड दिया गया है UNDP, ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN, WWF, ये सारी चीज़ें जो है वो इन सब के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है। अगली न्यूज़ आपके सामने आ रही है, 8 बीचेस अवार्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। आपको याद हो तो 8 बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हमें मिला था, ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला था, याद है कुछ गाइस? अभी तक की हमने जो न्यूज़ कवर की है वो कवर हो गई क्या, वो समझ में आ गई सबको? ठीक है, 8 बीच इन इंडिया, उनको ये सर्टिफिकेट मिला था। गुड मॉर्निंग अश्वनी। ये सर्टिफिकेट मिला था किस चीज़ का? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था
और किन्होंने इस चीज को दिया था? यूएनईपी ने, यूएनडब्ल्यूटीओ ने, FEE ने और IUCN ने। तो एक चीज याद रखना, सिर्फ इसके अंदर इतनी सारी बॉडीज ऑब्वियसली याद नहीं रहने वाली, तो एक फ्लैग जो दिया गया, ब्लू फ्लैग जो दिया गया, ऑब्वियसली बीच को दिया जाएगा, पानी से रिलेटेड है, ये तो बात सबको पता है कि नहीं? आई एम गुड अश्वनी, यू आप बताओ, आप सही हो क्या? प्रिपरेशन सही चल रही है? ओके फ्यूचर। सो गाइस, सिर्फ इतना याद करना, ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो किसी एक ने नहीं दिया। आपसे ये बोल दिया जाए कि ये सर्टिफिकेट गिवन बाय द IUCN ओनली, तो वहां पे इस चीज़ को गलत कर देना कि नहीं, सिर्फ इसने नहीं दिया, सिर्फ इसने नहीं दिया, बल्कि और भी बॉडीज हैं जिन्होंने इसको सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक है जो कि बीच को मिला था, मरीना या सस्टेनेबल टूरिज्म ऑपरेटर। मिलता किस तरीके के बीच को है आपके लिए, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि मिलता किस चीज़ के लिए है। हाय इंद्रजीत, गुड मॉर्निंग। अब मान लो एक बीच है और उस पर बहुत ही साफ सुथरा है वो बीच, बहुत गंद, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा जमा नहीं हो रही, वहाँ पे जो कूड़ा करकट आता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा, और पानी का जैसे कलर होता है, नीला कलर होता है, वो नीला ही कलर वहाँ पे आपको मिलता है। तो ऐसे बीच को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, जहाँ टूरिज्म अच्छा खासा है, जो कि इकोनॉमी को भी जनरेट कर रहा है, इस तरीके के बीच को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट सबको हो गया क्लियर? अब अपने यहाँ पे ये सारे रीजन है जहाँ पे सभी बीच आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही 8 बीच को हमें सर्टिफिकेट मिला था। ये जो सर्टिफिकेट का जो प्रोग्राम है वो 85 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक 47 कंट्रीज को जो है वो मिल चुका है, 47 एरियाज को ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है? मस्त चल रहे, चलो बढ़िया बात है। गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज वन एंड ओनली स्टडी IAS, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसने 2 ही सालों में लगातार, या 2 ही सालों के अंदर, 2 इयर्स टाइम के अंदर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट को रिसीव किया है, ठीक है? इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और यही वे अलग दूसरे एशियन नेशंस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है पिछले 5 से 6 सालों में। बात आई समझ में? अगर वो 2 साल की बात करेगा तो अपनी इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने 2 सालों में सर्टिफिकेट को पा लिया, और 5 से 6 सालों की अगर हम बात करें तो जापान, साउथ कोरिया और जो आपके क्या कहते हैं कि यूएस, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उन्होंने इसको पाया था, ठीक है? क्लियर है तो जस्ट से येस और नो, क्लियर है चीज़ें, येस और नो? स्पेन ने टॉप किया है लिस्ट को विद मोर देन 560 सच बीचेस, ग्रीस एंड फ्रांस की उसके बाद जो है वो आ रहे हैं, क्लियर? तो अब ये सारे बीच हैं, देखो यहाँ पे अपने इंडिया में कौन कौन से बीच हैं। एक तो शिवराजपुर है बीच द्वारका में, और एक घोगला बीच है दीव में, एक भोगावे बीच है आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में, मीरामार बीच है गोवा के रीजन में, इसके अलावा पाडुबरी कसा करो बीच है इधर, कप्पड़ बीच है आपका केरला में, एंड देन कोवालम है इधर इस साइड में, एडन बीच है पुडुचेरी में, ऋषिकोंडा है आपके आंध्र प्रदेश में, और गोल्डन बीच है आपके ओडिशा में, ठीक है? अब आपके लिए एक ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, चलो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग उसे पढ़ो एंड देन आंसर। सवाल है ये कि जो लार्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इंडिया में, वो कौन सी साइड मिलते हैं? लार्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया आर फाउंड ऑन विच साइड ऑफ इंडिया, ठीक है? ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड? रीजन बताओ, सॉरी पहले ये बताओ, ईस्टर्न साइड मिलते हैं कि वेस्टर्न साइड मिलते हैं? बताइए, है पता है किसी को? वेस्टर्न साइड, ओके। अंकित, स्वप्ना, स्वप्ना आपकी पहली क्लास है क्या?
इंद्रजीत अश्वनी प्लीज गाइस आंसर कर दीजिए। ईस्ट साइड ठीक है, एंड यू आर सेइंग द वेस्ट साइड, ओके। एनी अदर? वेस्ट की तरफ, ठीक है जी। चलो इसका सही जवाब रहेगा वेस्टर्न की तरफ, क्योंकि आपके इधर जो है वो वेस्टर्न घाट का हिस्सा था जो नीचे टूट के पड़ गया था, एंड जब अर्थ टकराई थी आपकी इंडिया की प्लेट यूरेशियन से, तो वो वाला जो टूटा हुआ हिस्सा है ना वो आपकी शेल्फ कहलाता है, नीचे जो पानी के अंदर भरा हुआ है, ठीक है वो है। तो वेस्टर्न की तरफ आपका ज्यादा ब्रॉड है गाइस। ये सब क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, एंड इसकी क्लास चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा लाइव 7 PM ऑन अनअकैडमी, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे वहां पे, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो कम टू द नेक्स्ट न्यूज। कर्नाटका टू सून डी क्लासीफाई फॉरेस्ट। कर्नाटका बहुत ही जल्दी फॉरेस्ट को डी क्लासीफाई कर देगा और डीम्ड फॉरेस्ट के तहत उनको ले आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि डीम्ड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं। डीम्ड मतलब उस वर्ड से ही आप जान रहे हो ना कि बहुत ज्यादा घने जंगल होंगे, बहुत घने। जैसे आप लोग इमेज में देख रहे हो ये वाली इमेज, ये इमेज कैसी दिख रही है आपको? मतलब फॉरेस्ट तो है, घने भी है, लेकिन खाली रास्ता है बीच में, और एक सीक्वेंस बना रहे हैं, एक मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हट लाइक शेप ऐसे करके सारे पेड़ बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ऐसे लेवल बना रहे हैं। आप बहुत आसानी से आप बीच में से निकल सकते हो, है कि नहीं? और आपको ये कुछ महसूस हो रहा है इस वाली इमेज देख के कि ये जो स्टेम है ये बहुत ज्यादा है इसमें, ये जो स्टेम यहाँ पे दिख रही है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली। यहाँ जो ग्रीन लीव्स है वो कम है और जो स्टेम दिख रही है ब्लैक कलर की वो ज्यादा है। इसका मतलब जो डीम्ड फॉरेस्ट होते हैं वो वुडी होते हैं। वुडी मतलब वहां से लकड़ियां जो है वो लेकर आई जाती है, वहां से ज्यादा लकड़ियां लाई जाती है, आप वुडी वो फॉरेस्ट होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? चलो दीज आर द थिकली वुडी एरियाज जो कि रेकमेंड किए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई आप इनको प्रिजर्व करके रखो क्योंकि हमें लकड़ियों की जरूरत है, लेकिन इनको नोटिफाई नहीं किया उन्होंने, उन्होंने उसको अपने अख्तियार में नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उस चीज को प्रिजर्वेशन करने की बात जो है वो करी है। इज दैट क्लियर? कर्नाटक डी क्लासीफाई करेगा 6.64 लाख हेक्टेयर ऑफ द 9.94 लाख हेक्टेयर ऑफ डीम फॉरेस्ट स्टेट के अंदर, जिससे रेवेन्यू जो है वो हमारा जनरेट होगा। पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया की जितनी फॉरेस्ट लैंड है ना उसमें 1% ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डीम्ड फॉरेस्ट मिल जाते हैं। दीज आर द कॉन्ट्रावर्शियल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉरेस्ट तो है ये, लेकिन साथ में आपको वुड मिल रही है, पेपर मिल रहा है, ठीक है, और भी काफी ज्यादा फ्यूल आपको यहाँ से मिल रहा है, और भी बहुत से सोर्सेज है जो आपको यहाँ से मिल रहे हैं। इसके लिए ये चीज काफी जो है मतलब ना कॉन्ट्रावर्सी में हमेशा रहती है, इसीलिए सरकार इनको नोटिफाई भी नहीं कर रही है। इज दैट क्लियर? गुड मॉर्निंग नरेंद्र, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, हाय हेमंत, गुड मॉर्निंग। तो कर्नाटका में कौन कौन से डीम फॉरेस्ट हैं गाइस? फॉरेस्ट से रिलेटेड ऑलरेडी 2017 या 18 के अंदर जो है क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ पे फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में ज्यादा था उनकी एरिया वाइज, ठीक है। तो आपसे अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डीम्ड फॉरेस्ट होते हैं, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, आपके लिए चीज है कि क्या हम कोई ऐसी क्लास करें जिसमें जो आप ये चीज करंट अवेयर अभी पढ़ रहे हो, अभी आप न्यूज कवर कर रहे हो, इसके बाद एक जैसे 10 से 15 मिनट का एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम इन्हीं के क्वेश्चंस रखेंगे, जो भी चीज आप पढ़ोगे ना उनको आप क्वेश्चन की फॉर्म में भी देख लोगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये चीज हो सकती है ना जी? सो जो डीम्ड फॉरेस्ट है वो कर्नाटका में कितने हैं, उनकी खास बात ये होती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप होते हैं वो, थिकली वुडी एरियाज होता है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अख्तियार में ये फॉरेस्ट नहीं आते, थिकली आर रिकमेंडेड टू बी हैंडेड ओवर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अभी इनको हैंड ओवर कर दिया गया है, थिकली वुडेड लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गारंटीज बट नॉट कल्टिवेटेड एंड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सही रहेगा ना?
अगले न्यूज है आपके लिए ईआई नोटिफिकेशन 2020। ईआई नोटिफिकेशन यानी कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, इसका तो पूरा चैप्टर है शंकर आईएएस में। अश्वनी जस्ट सर्च स्टडी आईएएस, टेलीग्राम पे जाओगे सर्च करोगे स्टडी आईएएस, आपको चीजें मिल जाएंगी, जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की, सर्च करोगे ठीक है। EIA नोटिफिकेशन 2020, ये क्या चीज होती है? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। अभी इसकी नोटिफिकेशन 2020 आई थी, जिसके अंदर एनवायरमेंट के जो एक्टिविस्ट थे वो सेंसर्ड फॉर एनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग। अब वो लोग कह रहे थे, पहली बात आपको ये जानना है कि EIA क्या है। अब ये देखो, एक चीज देखो, जितनी हमने फैक्ट्रीज लगा दी एंड फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकल रहा है वो आपके एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचा रहा है ठीक है। आप जो फॉरेस्ट काट रहे हो, आप जो कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हो, वहां से हमारे एनवायरनमेंट को खतरा पहुंच रहा है राइट, है कि नहीं। और भी हम चीजें कर रहे हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा पहुंच रहा है। तो इस सब के लिए एक EIA नोटिफिकेशन लेकर आई गई, भाई हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर इस चीज के अंदर इंक्लूड करेंगे तो वो सब इस चीज से अवेयर हो जाएंगे कि भाई हमें इस तरीके से काम नहीं करना ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कम से कम असर है हम अपने एनवायरमेंट पे ला सके, इसके लिए EIA 2020 लेकर आई गई। तो गाइज अभी तक की सारी न्यूज आप लोगों को कवर है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो और जिसने कर दिया है वो लोग थम्स अप दे दीजिए ठीक है। बताओ जल्दी एवरीवन, हाय आकाश गुड मॉर्निंग, एवरीवन क्लियर है चीजें? ओके चलो ये EIA क्या है सबसे पहले ना वो जानो जिसको नहीं पता। जो इंडस्ट्री है उनका कम से कम असर आपके एनवायरनमेंट पे हो, उनका पोल्यूशन कम से कम आपके एनवायरनमेंट पे असर डाले, बिल्कुल मिनिमाइज कर देना बुरा जो असर होता है एनवायरनमेंट पे, वो होता है EIA ठीक है। एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने EIA नोटिफिकेशन जारी करी थी 2020 के अंदर। हाय मधुस्मिता गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, ये आपकी पहली क्लास है क्या? इज इट योर फर्स्ट सेशन? ओके इंद्रजीत क्लियर है चीजें आपको ठीक है। सो EIA एक बहुत ही जरूरी टूल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लेकर आया गया ताकि एडवर्स इम्पैक्ट को हम कम से कम कर सके। एक तरीके से एनवायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोसेस है जो कि उस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको लेना पड़ता है ठीक है। EIA बहुत जरूरी होता है। अब जैसे देखो, अब अगर हम एक चीज देखें कि अभी कुछ समय पहले ऑयल स्पिल हुआ था कहाँ पे? मॉरिशियस में। इससे पहले देखें रशिया की तरफ जो साइबेरिया जो रीजन है या उससे ऊपर का जो एरिया है वहां पे हम देखें रशिया में वहां पे भी ऑयल स्पिल हुआ था। इसे एक और बार कनाडा की तरफ ऑयल स्पिल हुआ था। ऑयल स्पिल का मतलब ओशन के अंदर ऑयल का गिर जाना, किसी भी शिप का टूट जाना और सारे ऑयल का वहां पे बह जाना। अब एक बार बताओ, क्या उस ऑयल की स्पिलिंग होने से, क्या उस ऑयल की वहां पे सब रिलीज होने से, मान लो सारा ऑयल जो है वो ओशन के अंदर रिलीज हो गया, तो क्या इसके चलते आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खराब नहीं होगी? क्या होगी ना? क्या वहाँ की जो जीव जंतु है, ऑर्गेनिजम्स है, वो नहीं मर जाएंगे क्या? इस सब के चलते आपका एनवायरनमेंट प्रदूषित होगा राइट, वो पॉल्यूटेड होगा। सो इन्हीं सब के लिए एक EIA का प्रोसेस होता है, एक EIA के नोटिफिकेशन होते हैं जो जारी करी गई ताकि भाई आप चीजों को लॉन्च चीजों को देखने से पहले एक सर्टिफिकेट एक प्रोसेस जो है वो आप लोग ले लो ठीक है। चीजें क्लियर है? चलो ये आप लोग एक चैप्टर है शंकर आईएएस बुक में, वो पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें और क्लियर हो जाएंगी। उनको एक बार थोड़ा सा देख भी लीजिएगा जी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जब आया, इंडिया ने उनकी पहली EIA नॉर्म्स रिलीज करी 94 के अंदर और लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया ताकि वो देख सकें
पर ये चीजें जो है वो इम्पैक्ट ना करें हमारे एनवायरनमेंट, राइट जी। अश्वनी, ईआईए का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री लग रही है उन इंडस्ट्री के लगने से आपके एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, कितना बुरा या कितना अच्छा असर पड़ रहा है, उसके लिए असेसमेंट की जाती है, उसको चेक करा जाता है कि कितना फर्क जो है एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। ठीक है, अब आप फैक्ट्री लगा रहे हो, उसमें से पोल्यूशन निकल रहा है, तो आपका प्रदूषण हो रहा है ना, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, रिवर वाटर रिलीज होता है वहां से, कई चीजें। ठीक है, चलिए अगली न्यूज आती है। सुखना लेक, एक लेक आई थी सुखना, सुखना लेक, उसको एक लिविंग एंटिटी का दर्जा जो है वो दे दिया गया था, सुखना लेक। ये लेक है आपके चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ तो पता है ना सबको, नियर टू द पंजाब, वहां पे ये लेक आपको मिल जाएगी। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सुखना लेक है वो इस लिविंग एंटिटी है, वो लिविंग पर्सन है, विद राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज ऑफ अ लिविंग पर्सन। जैसे एक हम लोगों को राइट और ड्यूटी और लाइबिलिटी होती है, उसी तरीके से सुखना लेक को भी लिविंग एंटिटी या जीवित एक मतलब चीजों को ना बताया गया है, लीगल पर्सन बताया गया है, जिसके तहत उसके पास भी सारी राइट ड्यूटी और लाइबिलिटी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके जी। उन्होंने कहा कि जो सिटीजन है चंडीगढ़ के, एज अ लोकल पेरेंटीज टू सेव द लेक फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। असल में मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग भास्कर, प्लीज बी ऑन टाइम ना, अभी आपने इतनी चीज मिस कर दी, वो चीज सही नहीं होती। ठीक है, 9 AM ये आपकी 1 week to 10 days जो है वो क्लास चलेगी, जिसमें हम एनवायरनमेंट के लास्ट 1 year के सीए कर लेंगे। ठीक है, सबने उसको कवर कर लेंगे। चंडीगढ़ के सभी सिटीजन की जिम्मेवारी बनती है कि भाई ये जो सुखना लेक है उसको आप सूखने मत दो। मतलब क्या है कि सुखना लेक को आप एक्सटिंक्शन होने से बचा लो। अगर आपने किसी ने भी HCS का फॉर्म फिल किया है और HCS का जो एग्जाम है, तो हाँ वही ना कि आज की सुबह प्रकृति के नाम हम लोग कर रहे हैं, है ना, आज की सुबह प्रकृति के नाम। हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो चीजें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बातें? ओके, सुखना लेक, अगर देखो किसी ने HCS फॉर्म फिल किया हुआ है ना, तो वहां पे सुखना लेक से क्वेश्चन आना बहुत ही आसान है। वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि सुखना लेक है कहाँ पे, आपको ये जवाब देना है कि भाई है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, एंड इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो लेक है क्या एक्सटिंक्ट हो गई है? नहीं, एक्सटिंक्ट अभी नहीं हुई है, लेकिन अब उसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस किसने HCS का फॉर्म फिल किया है, PCS का और HCS का, हु फील दैट, बताओ जल्दी। भास्कर, हिंदू न्यूज जो मेरे द्वारा होगी वो आपको अनअकैडमी पे 12 PM मिलेगी, और जो स्टडी आईएएस पे आपको अदिति मैम के द्वारा मिलेगी वो भी आपको 12 PM ही सेशन मिलेगा, सेम टाइमिंग होता है दोनों का। क्लियर है? चलो, सुखना लेक है क्या शिवालिक के फूट हिल पे मिलेगी चंडीगढ़ के अंदर, और ये लेक 1958 में बनी थी, सीजनल स्ट्रीम है ये, एंड शिवालिक हिल से निकलती हुई एक धारा वहाँ पे एक सीजनल है ये, यानी कि हमेशा इसमें पानी नहीं रहता। ये जो रिजर्वॉयर है वॉज ऑल्सो डिजाइन बाय द ल्यू कॉर्बूसियर। बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे क्रेन्स आ रही है, साइबेरियन डक आ रही है, स्टॉक आ रहे हैं, ये सब इस सीजन में यहाँ पर आते हैं, इसीलिए चीज जरूरी है कि हम इसको सेफगार्ड करें। क्लियर है? लिविंग एंटिटी का मतलब होता है यही है कि राइट्स आर ऑब्लिगेशन दैट सोसाइटी एंड स्टेट हैव फॉर एस्टैब्लिशिंग सस्टेनेबल रिलेशनशिप। यानी कि लिविंग एंटिटी का मतलब ये है गाइस कि आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी प्रॉपरली राइट्स हैं जो दैट सोसाइटी एंड स्टेट हैव एस्टैब्लिशिंग सस्टेनेबल रिलेशनशिप, यानी कि हमारा और लेक का एक तरीके से रिलेशनशिप है, हमने किसी भी तरीके से उसको सेफगार्ड करना है। क्लियर है ये न्यूज़ सबको? जल्दी बताओ येस और नो से, येस और नो, जिसने लाइक कर दिया दैट ओके, अगर नहीं किया है सो गाइज डू इट नाउ, कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए। डन, वेरी गुड। विद दिस रूलिंग सुखना लेक अभी नो मोर वॉइसलेस वाटर बॉडी बट पर्सन विद अ लीगल राइट, तो इनको बाकी चीज को आप लोग कवर कर लेना। आप देखो मैप में ये रही लेक,
ये रही वो लेक जिसमें हम देख रहे हैं कि सीजनल लेक है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये परमानेंट लेक है या सीजनल लेक है। क्लियर? सो योर आंसर विल बी सीजनल लेक। जब शिवालिक हिल्स की तरफ पानी आता है मॉनसून के समय, तभी इस सुखना लेक में पानी आता है, और जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं जैसे आपकी क्रेन्स हैं या डक हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और इसी के लिए हम इनको बचा रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। सो अब एक और क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है, इट इज द फर्स्ट टाइम, कि किसी रिवर को, कि एनी रिवर या किसी ऐसी चीज को लिविंग एंटिटी का दर्जा मिला हो। बताओ, ऐसे पहली बार हो रहा है क्या कि किसी रिवर को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया हो, का स्टेटस जो है वो मिला हो। से येस और नो, से येस और नो। नो, ओके, और कोई? बताओ बताओ। अब आपसे ना स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि आपको ये बताना है कि कोई इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री विच गेट द लिविंग एंटिटी स्टेटस टू एनी रिवर, विच गॉट द लिविंग एंटिटी स्टेटस। नो हर्ष, नो हर्ष, रिवर को नहीं, गंगा को नहीं मिला हुआ। सुनो अभी ध्यान से, हमारी पहली कंट्री नहीं है, क्योंकि इससे पहले इक्वेडोर जो है, इक्वेडोर जो कंट्री है उसको ये स्टेटस मिल गया था 2008 में। सो इक्वेडोर जो है वो पहली कंट्री बनी थी जिसको लीगल राइट मिले थे नेचर के लिए। ठीक है, यमुना ऑल्सो, ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, उसको मिल गया होगा, लेकिन अपनी कंट्री को पहली बार नहीं मिल रहा। बोलीविया ने भी सेम लो पार किया था 2011 में। न्यूजीलैंड ने 2017 में बनी थी पहली कंट्री जिसने ग्रांट किया था लीगल राइट वांगुई रिवर को, फॉलोड बाय इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड को मिला यमुना और गंगा को। हाँ बिल्कुल, एल सेल्वाडोर को भी में भी दिया गया। जुलाई 2019 में बांग्लादेश पहली कंट्री बनी जिसने लीगल स्टेटस एज ह्यूमन की तरह ही नेचर को प्रोवाइड करा। फाइन, अब एक चीज बताओ गाइस, एक ये सर्च मिला है, डू नॉट डिलीट दैट, डू नॉट डिलीट दैट। एक चीज बताओ आप लोग, कि जो अभी आप न्यूज कवर कर रहे हो, इन्हीं के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, मीन्स यू वांट सेशन की लाइक 10-15 मिनट का एक सेशन रखें कि हम इन्हीं के क्वेश्चंस देखें कि कैसे कैसे आ सकते हैं। यू वांट दैट और नॉट, बताओ एक बार से, यस और नो। राइट, जल्दी बता दीजिए, हम आगे न्यूज़ में मूव ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, ये एक WSTS यानी कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है वो हुई थी। ओके, ISA जो है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सोलर अलायंस बॉडी है, ISA जिसे हम बोल रहे हैं, उन्होंने पहली इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था। उनका उद्देश्य यही था कि शोकेस करना कि अगली जो जनरेशन अपनी आएगी। ओके एवरीवन वन, ठीक है, तो हम कर लेंगे उस सेशन को, नॉट टू वरी, कर लेंगे। अगली जो जनरेशन आएगी उसको सोलर टेक्नोलॉजी अपनी मेंबर कंट्री को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसका थीम क्या रहा है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, यानी कि अगर सन एक है, विश्व एक है, तो ग्रिड भी जो है वो एक ही होना चाहिए, यानी कि कनेक्शन जो है सारी कंट्रीज के बीच में, जिन जिनको सोलर मतलब मेंबर कंट्री है उन सब के बीच में एक ग्रिड भी जो है ना वो एक ही होना चाहिए, बात ये कह रही है। ठीक है, सो इन सभी कंट्री में जो जो समिट में हिस्सा जिन्होंने लिया था, आपको जरूरत नहीं है कि याद करने की, ये साइन हुआ था और एक्सचेंज हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड बैंक और ISA के बीच में। इज दैट क्लियर? चलो ओके दीदी, नो इशू। ठीक है, अब आपके बारे में आपको जरूरी है ये जानना कि ISA क्या है।
121 कंट्री के बीच में संधि हुई थी जो कि इंडिया के द्वारा स्टार्ट करी गई, जिसमें से तकरीबन कंट्री सनशाइन कंट्रीज हैं। अब आपको ये चीज जानने में आसानी हो जाएगी अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर मेंबर ऑफ द आईएसए, और मैंने आपको ऑप्शन में दे दिया एग्जाम्पल के लिए, एक इंडिया बोल दिया और आपका एक बोल दिया भूटान, और मैंने बोल दिया मोजाम्बिक, और एक बोल दिया एग्जाम्पल के लिए स्वेडन, स्वेडन ठीक है, या मैं बोल रही हूँ कि ग्रीनलैंड ठीक है। सो आप इस चीज़ से आइडिया लगा लोगे ना कि भाई ग्रीनलैंड और स्वेडन जो है वो पॉसिबली नहीं होंगे, क्योंकि आईएसए में वही कंट्री है जहाँ पे सन आ रहा है। इस चीज़ का सबको पता है कि ये मान लो ये अर्थ, ये आपकी अर्थ है, और अर्थ का ये इक्वेटर है, और ये कैंसर है, और ये कैप्रिकॉन है, तो सन या तो इस रीजन के अंदर ही रह रहा है, इस रीजन के अंदर, ना तो इसे ऊपर जा रहा है और ना ही इसे नीचे आ रहा है। क्लियर? सो इन सारी कंट्रीज एरिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनको हम एक नाम दे देते हैं, सनशाइन कंट्रीज ठीक है, और वही सारी कंट्रीज आपकी आईएसए के अंदर इंक्लूड हैं। तो यहाँ से एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। सो सारी न्यूज आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर है? सो जस्ट से येस और नो, डू इट फास्ट, जल्दी बताओ इज दैट क्लियर और नॉट। राइट, अगली न्यूज आ रही है आपके सामने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट कॉरिडोर को आइडेंटिफाई करने की बात की गई है। अब एक बात आप लोग ये जानते ही हो कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, स्पेशली जो है एलिफेंट्स हैं, जिनके बीच में मैन और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ठीक है। ये बात पता है ना आप लोगों को कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है एलिफेंट के बीच में और बहुत सारे एनिमल्स के बीच में, जिनके चलते उनकी डेथ हो जाती है, और या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं उनसे उनसे भिड़ के जो एलिफेंट्स हैं उनकी भी डेथ हो जा तब भी हो जाती है, या रात को ट्रैफिक की चपेट में आने से उनकी डेथ हो जाती है। सो ये बहुत ही बड़े कंसर्न है हमारे लिए कि किस तरीके से ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको हम रोकें ठीक है। सो गाइस जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं, डू लाइक शेयर एंड अपनी प्रेजेंस को शो करो दैट यू आर प्रेजेंट हियर, लाइक शेयर और ये सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ये बात। सो इसके लिए एक चीज़ लेकर आई गई, भाई हम ये जान लेते हैं, एक सॉल्यूशन इसके लिए ये हो सकता है ना कि मान लो ये एक पूरी स्टेट है, और उस स्टेट के अंदर यहाँ पे भी ह्यूमंस रह रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमंस हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एलिफेंट हैं इस एरिया के अंदर, ऐसे करके। सो इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ये ख़त्म हो, और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक तरीका ये लगा सकते हैं ना कि भाई आप इस कॉरिडोर को अलग कर दो, यानी कि इस एरिया को अलग कर दो, और इस एरिया को आप अलग कर दो, इस एरिया को मतलब एक बाउंड्री बना दो इधर भी आप करके, एक बाउंड्री बना दो इधर आप करके, सो दैट ना तो ये एलिफेंट इस एरिया से बाहर आएंगे और ना ही ह्यूमंस इनके एरिया में जाएंगे, तो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, दिक्कतें ही खत्म, ना तो एलिफेंट्स को दिक्कतें आएंगी ना ही ह्यूमंस को दिक्कत आएंगी। इसी सब के लिए ये कॉरिडोर जो है वो बना दिया गया है, जिसके चलते अब कुछ एरिया फाइन कर दिया, फाइनल कर दिया, भाई ये एरिया है इसके अंदर एलिफेंट रहेंगे, उनका वो कहीं पे भी जहाँ भी वो घूमना चाहते हैं वो घूम सकते हैं, वो राउंड ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो उनको कोई खतरा नहीं होगा। रही बात इलेक्ट्रिक वायर की, रही बात इलेक्ट्रिक वायर की, सो इलेक्ट्रिक वायर का भी सॉल्यूशन लेकर आया जाएगा, उनको हम बहुत ऊंचाई पर लगा देंगे, काफी ऊंचाई पर लगा देंगे, जिसके चलते उनको वहां से भी दिक्कतें जो है वो नहीं आएंगी सामने ठीक है। रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, इस एरिया में जाने नहीं देंगे। इस सब के लिए अपनी पूरी इंडिया में देखा गया कि कौन कौन सा एलिफेंट कॉरिडोर है उसको आइडेंटिफाई किया गया। सबसे पहले झारखंड ने आइडेंटिफाई किया एलिफेंट कॉरिडोर एज कॉरिडोर हैज चेंज सिंस देयर आइडेंटिफिकेशन, जिसको दोबारा से उन्होंने आइडेंटिफाई किया। 44 चीज़ें क्लियर हैं क्या?
एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? ओके, बहुत अच्छा। अब ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि दो लार्ज हैबिटेट को कवर कर रही हैं। एनटीसीए ने कॉन्स्टिट्यूट किया था डब्ल्यूपीए एक्ट को 1972 में, जो कि अमेंडमेंट हुआ था जिसका 2006 में, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को एक तरीके से इनहेरेंट ज्योग्राफिकल लिंकेज बना दिया। फॉरेस्ट, रिवर कोर्स, ये सारी चीज़ें एक जगह पर फिक्स कर दी, भाई इस एरिया में ये चीज़ रहेंगी। फैसिलिटेट कर दिया मूवमेंट ऑफ टाइगर्स का और बाकी दूसरे एनिमल्स का, भाई आप इस ये एक एरिया दे दिया, ये पर्टिकुलर 500 किलोमीटर का एरिया आपको दे दिया, इसमें आपको जहाँ जाना है आप जाओ, आप इससे बाहर नहीं आओगे, ठीक है? सो दैट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। टू सिक्योर अ फ्यूचर ऑफ द वाइल्ड एलिफेंट, ये बहुत ज़रूरी था कि हम एक अनइंटरप्टेड मूवमेंट जो है वो की हैबिटेट्स के बीच में निकाल कर लेकर आए। आप कुछ दिन पहले नीलगिरी जो एलिफेंट कॉरिडोर केस है वो भी कुछ सामने था, उसमें भी कोई दिक्कतें चल रही थी। सो ये जो नीलगिरी एलिफेंट है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है एक तो, और ये लोकेट कहाँ कर रहा है, 3 स्टेट में आता है ये। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। नीलगिरी आपका कहाँ कहाँ आता है, केरला में प्लस कर्नाटका में प्लस तमिलनाडु के अंदर, ये 3 स्टेट हैं जो नीलगिरी कवर कर रहा है। इसके अलावा नीलगिरी जो है वो बाय एलिफेंट रिजर्व भी है। नीलगिरी को हम नीला गिरी, मतलब इसको थोड़ा ब्रेक कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा ना कि गिरी का मतलब होता है पर्वत, यानी कि नीला पर्वत। सो हम इसको ब्लू माउंटेन भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम इसे, ब्लू माउंटेन। द रीजन बिहाइंडिंग कि वहां पे एक नील कुरिंजी फ्लावर्स मिल रहे हैं जो कि 12 साल में एक बार ब्लॉसम होते हैं, यानी कि एक बार खिलते हैं 12 साल में। नीले फूल हैं वहां पे जिसका नाम है नील कुरिंजी, जो कि 12 साल में एक बार वो खिलते हैं उसकी पहाड़ियों पे। और जितनी पहाड़ी है ना, मान लो अगर एग्जाम्पल के लिए ये पूरी पहाड़ी है इस तरीके से, सो जितनी नीचे ही इनका, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे वो फ्लावर्स हैं और यहाँ पे, जितना नीचे वो फ्लावर्स होंगे इनका कलर उतना लाइट ब्लू होता है, बीच में जाके थोड़ा बहुत पर्पल की शेड आ जाती है, और पूरा ऊपर जाके बिल्कुल डार्क ब्लू कलर के ये आपके फ्लावर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? जस्ट येस और नो, डू लाइक द सेशन एज वेल? हाँ जी, अब बताओ ये चीजें क्लियर हैं क्या सबको? ठीक है जी। सो कॉरिडोर इज सिचुएटेड इन द इकोलॉजिकल फ्रेगाइल साइगर प्लेटू, ये जो कॉरिडोर है वो सिगर प्लेटू के अंदर आता है, जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कनेक्शन दे रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जहाँ पे आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं ना, मतलब वेस्टर्न इधर से आ गया और ईस्टर्न आपका उड़ीसा की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे मिलते हैं वो एरिया भी आपका नीलगिरी में ही आपका आ जाता है। एराविनकुलम नेशनल पार्क है ना, वहीं के उसके पास ही जो है ये दोनों घाट मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके प्रिलिम्स में आ चुका है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मिल जाते हैं। फाइन, नीलगिरी के अंदर आपको एक मुजुबमलाई नेशनल पार्क भी मिलता है, वहां पे भी आपको एलिफेंट की अच्छी खासी पॉपुलेशन मिल जाती है, ठीक है? नीलगिरी हिल्स आपको साउथ वेस्टर्न में मिलती है, मोयार रिवर वैली आपको मिल जाती है, एलिफेंट क्रॉस द प्लेटू इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। बिल्कुल, वो जो ये मोयार रिवर है उसको क्रॉस करके एलिफेंट नॉर्मली बाहर चले जाते हैं फूड और वाटर की सर्च में, और जिसके चलते वो लोगों की चपेट में आ जाते हैं। जिसके चलते अभी अगर देखो, एक बार बताओ, एक भी एलिफेंट कहीं दिख रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो इंसान उसको मारता ही है, ठीक है? या भागता है वहाँ से, या बहुत सारे होते हैं तो कोशिश हम यही करते हैं कि उसको वो करा जाए, लेकिन है तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, दिक्कतें तो अपनी डाइवर्सिटी को होगी, तो वो चीज़ दिक्कतें कर जाएंगी। फाइन, 75% ऑफ कॉरिडोर भी साउदर्न के अंदर, सदर्न में आपको मिल जाएंगी। करीबन 6500 एलिफेंट हैं जो अपने ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट में आपको मिल जाते हैं। अगली न्यूज आपके सामने आ रही है, मेरीन स्पैटियल प्लानिंग। मेरीन स्पैटियल प्लानिंग ये क्या है?
इंडिया ने और नॉर्वे ने दोनों एग्री हुए थे इस चीज पे कि वो मेरीन स्पैटियल प्लानिंग करेंगे, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट की तरफ, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के अंदर। इंडिया और नॉर्वे दोनों ने जॉइंटली वर्क किया इन द एरिया ऑफ मरीन स्पैटियल प्लानिंग में, ताकि जो ओशन का जो एरिया है, ओशन का जो एनवायरनमेंट है, अगले 5 सालों में उसको सुधार दे। ठीक है, अब असल में मरीन स्पैटियल प्लानिंग होती क्या है वो आपको जानना जरूरी है। इंद्रजीत, चिताली, भास्कर, फ्यूचर गाइस, क्लियर है क्या? मधुस्मिता, रिद्धि, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू और नॉट? चलिए, सो ये न्यूज़ कैसे आपको रेलेवेंट मिल रही है, कैसे इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, वो हम एक 10 से 15 मिनट का सेशन देख लेंगे जिसमें हम लोग ये क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम बहुत सारे यूजर्स को साथ में लाएं, जैसे इंडस्ट्री। अब होता क्या है, मान लो ये एक इंडस्ट्री है और हाय दर्पण, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ये सीरीज आपकी तब तक चलेगी जब तक पूरे लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर जो है वो पूरा ना हो जाए, तब तक चलेगी। और मैक्सिमम 10 से 12 दिन जो है हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक मैं आपकी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा कवर यहाँ से करवा दूंगी जो कि रेलेवेंट है आपके प्रीलिम्स 21 के लिए। क्लियर? चलो, हाँ, मैं न्यूज़ आपको ये बता रही थी मैरीन स्पैटियल प्लानिंग क्या होती है। इस प्लानिंग के तहत गाइस, मान लो एक ओशन है, एक ओशन है और उस ओशन के अंदर इस इंडस्ट्री से पानी जो है वो रिलीज करा जा रहा है। अब ओशन तो खतरा हो गया, ओशन तो डैमेज हो रहा है कि नहीं? डैमेज हो रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे ट्रक आके प्लास्टिक की यूं क्यों प्लास्टिक इस ओशन में रिलीज कर रहे हैं, अगेन ओशन डैमेज हो रहा है कि नहीं? अब लोग और भी तरीके का वेस्ट जो है वो रिवर्स की में से जो वेस्ट होता है रिवर में डाल देते हैं, रिवर का वेस्ट यहाँ पे आ रहा है, ओशन डैमेज हो रहा है। इस सब के लिए इंडिया और नॉर्वे ने हाथ जोड़े, इंडिया प्लस नॉर्वे दोनों ने पार्टनरशिप करी इस चीज़ के अंदर और दोनों एग्री हो गए कि भाई ये जो ओशन डैमेज हो रहा है इस चीज़ को हम सुधारेंगे। कैसे सुधारोगे आप लोग, कैसे सुधारोगे? उन्होंने ये बात बोली कि भाई जितने भी गवर्नमेंट है, जितनी भी एनर्जी सोर्स है हमारे पास, जितनी भी इंडस्ट्री है, जो भी पॉपुलेशन है, उन सबको हम साथ लेकर आएंगे, ताकि भाई एक अकेली सरकार से कुछ नहीं हो सकता, एक अकेली इंडस्ट्री से कुछ नहीं हो सकता। तो इन सबको हम साथ लेकर आएंगे ताकि जो ओशियंस हैं उनको हम कंजर्व कर सके, संभाल सके, उसको हम प्रोटेक्ट कर सके और उसको हम रिक्रिएट कर सके। ठीक है, रिक्रिएट का मतलब है उसके अंदर से प्लास्टिक को हटा सके, पोल्यूशन को हटा सके, इंडस्ट्री में से जो वेस्ट आ रहा है जो सीधा वो पानी रिलीज कर देते हैं रिवर्स में या ओशन में, उन सबको वहां से रिमूव कर सके। इस तरीके की कोई प्लानिंग जो है हम दोनों कंट्री मिलके कर देंगे, उसी को बोला गया मरीन स्पैटियल प्लानिंग। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रिसेंटली किन्हीं दो इंडिया ने और एक और कंट्री ने मरीन स्पैटियल प्लानिंग के लिए हैंडशेक किया था, तो कौन सी कंट्री है वो? तो आपसे ऑप्शन में दे देंगे, स्पेन है क्या, नॉर्वे है क्या, एंड मतलब यूएसए है क्या, या कोई और है, कुछ भी नाम दे देंगे ना, तो आपको आंसर कर देना नॉर्वे रहेगी। इज दैट क्लियर गाइज? बताओ जरा चीजें, क्वेश्चन, न्यूज और तरीके, क्वेश्चनिंग कैसे हो सकते हैं इन सब में से? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? ओके ओके, अब आप ये बताओ कि आप लोगों को ये जो नया इनिशिएटिव लिया है स्टडी आईएएस ने, यू डिड लाइक दैट और नॉट? आपको चीजें वो चीज समझ में आई? मरीन स्पैटियल प्लानिंग का उद्देश्य है कि इन्फॉर्म और कोऑर्डिनेटेड डिसीजन लेना, ताकि जो मरीन रिसोर्सेज है उसको हम सस्टेनेबल रख सकें। डिड यू लाइक द न्यू इनिशिएटिव? बताइए। इस न्यूज को थोड़ा सा ना अभी रह गई है, अपना टाइम हो गया है, हम कल कवर कर लेंगे एंड रेस्ट वी विल कवर टुमोरो। हाय विशाल, हाय विशाल।
जी, पहले ये बताइए कि जो स्टडी आइस ने न्यू इनिशिएटिव लिया है, डू यू लाइक दैट? आप सबको नया इनिशिएटिव समझ भी आया, पसंद भी आया? अगर मैंने आपको बोला था इफ़ यू वॉन्ट एनी स्पेशल नेक्स्ट क्लास तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आप लोग कमेंट पे लिख सकते हो कि भाई आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कतें आ रही है, और यू कैन आस्क अस टू देयर. ठीक है, आप लोग वहाँ से चीज़ें पूछ सकते हो. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ओके, आप लोग ये जो पीडीएफ मिलेगी वो स्टडी आइस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी. ठीक है, स्टडी आइस के टेलीग्राम ज्वाइन करो, मिल जाएंगी. गाइस, अनअकैडमी आर्टिकुलेट पे आज एक सेशन है मेरा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या अपनी समय पे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग नोट्स बनाएं, कैसे आप लोग प्रिपरेशन करें, उस सब की स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस होगी. एंड द राइट टाइमिंग इज़ अ 5 PM. 5 PM होगा, 5 PM आर्टिकुलेट पे आप जाओ और उसे सब्सक्राइब करोगे, क्लास मिल जाएगी, आप देख लेना. फाइन, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी. आप अन अकेडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो. बस आप मेरा नाम सर्च करोगे वहाँ पे, अंकिता जिंदल, तो आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी. अब हम 12 PM मिल रहे हैं, जहाँ पे हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, फिर डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस करेंगे 1 PM. इसके बाद 5 PM आर्टिकुलेट पे हम एक स्ट्रेटेजी क्लास करेंगे. इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है विद द मैपिंग, तो आप लोग वो भी देख सकते हो. और टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है 9 PM अन अकेडमी पर, तो वो भी आप लोग देख सकते हो. ठीक है, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग. आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो. लेकिन कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको कमेंट में मेंशन करना है इस सवाल को. आपको ये बताना है कि जो हरिके वेटलैंड है वो कौन से स्टेट में आती है. हरिके वेटलैंड कौन से स्टेट में आती है. ठीक है, सिर्फ आपको एक ये क्वेश्चन का जवाब देना है. और एक आपने बताना है कि जो महाराष्ट्र में एक लेक है जिसको अभी रामसार में लेकर आया गया है, महाराष्ट्र में एक लेक है जिसको रामसार में लाया गया है, वो लेक का नाम क्या है. आपके लिए दो क्वेश्चन है. हरिके वेटलैंड कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र स्टेट में एक लेक है उसका नाम क्या है जो रामसार में लाई गई है. ओके, चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लासेस गाइज, हैव ए नाइस डे. जल्दी मिलते हैं हमारे अकेडमी पर 12 PM, और यहाँ पर भी आपको सेशंस मिल जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा. सौरभ, प्लीज़ क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन ओपन होगा, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा. डू लाइक द क्लास, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए. अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव में सब में से शेयर करिए. एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, वन एंड ओनली स्टडी IAS, सो दैट आपको हर क्लास की अपडेट्स यहाँ पे मिल जाए. प्लीज़ आपको कमेंट सेक्शन में करना है बाद में. सो थैंक यू.